हम दिन की शुरुआत चाय के साथ ही करते हैं और चाय सभी हो छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। तो आज हम चाय बनाएंगे, लेकिन चाय बनाने का तरीका कुछ अलग है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ में हम चाय बनाएंगे, इससे आपकी चाय का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पानी ले लेते हैं। आप अपने तरीके से कम या ज़्यादा पानी की मात्रा कर सकते हैं। इसके बाद में पानी को हल्का सा उबलने देंगे। उबलने के बाद में मैं इसमें चाय की पत्ती ऐड कर देती हूँ। आप अगर ज़्यादा कड़क चाय पीते हैं तो इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं चाय की पत्ती की। इसके बाद में इसे मैं अच्छे से उबाल आने देंगे। जब चाय में अच्छे से उबाल आता है तभी ही चाय आपकी बढ़िया बनती है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से उबलने देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ स्किप करके आप वीडियो ना देखें, नहीं तो कोई भी स्टेप छूटेगा तो आपकी रेसिपी जो चाय की है वो अच्छी तैयार नहीं होगी। इसके बाद में हम इसे अच्छे से उबलने, जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद में ही हम इसमें आगे की जो इसमें सामग्रियां हैं उन्हें हम डाल देंगे। तो मिठास के लिए हम यहाँ चीनी का प्रयोग करते हैं। आप अपने तरीके से कम या ज़्यादा इसमें चीनी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब है सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, वो है एक मसाला सौंफ। सौंफ की चाय आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आपको यकीन मानिए पुराने तरीके भूल जाएंगे और आपको ये चाय बहुत पसंद आएगी। तो एक बार आप बनाकर जरूर देखें। जब हम इसमें सौंफ डाल देते हैं तो इसे अच्छे से उबलने देते हैं। उबलने के बाद में हम इसमें अब दूध ऐड कर देंगे। दूध डाल दिया है, इसकी मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अच्छे से अब हम उबाल आने देंगे। बढ़िया तरीके से चाय उबलनी चाहिए ताकि जो हमने सौंफ पाउडर डाला है उसका जो टेस्ट है वो इसमें अच्छे से आए। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे उबालेंगे और जब तक इसमें एक हल्की सी ब्राउन कलर की जो लेयर है वो नहीं आ जाती तब तक चाय आपकी अच्छे से तैयार नहीं हुई है। अभी देखिए इसमें धीरे धीरे उबाल आने लगा है और इस तरह से आपकी ये चाय बहुत ही अच्छी और लाजवाब तैयार होगी। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना कर दें। अभी देखिए इसमें उबाल आने लगा है और इस तरह से इसमें लाइट ब्राउन कलर आ गया है ऊपर की तरफ। इसका मतलब हमारी चाय बनकर तैयार है। अब हम करेंगे कि गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बंद कर दिया है हमने गैस की फ्लेम और इसे छन्नी से कप में छान लेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ इन्हें कप में कर ली है। बहुत ही अच्छे से ये चाय तैयार हुई है और एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें, बना कर देखेंगे तो आपको अदरक की और जो भी लौंग की चाय आप बना कर पीते हैं उसकी बजाय आपको ये चाय बहुत पसंद आएगी। तो एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और चाय की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।